नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रायसेन के बाड़ी की पिपरिया के करण सिंह में सरपंच पति की दबंगाई का आवेदन दिया। बाड़ी जनपद पंचायत सीईओ को उप सरपंच और पंचों ने मिलकर लिखित शिकायत आवेदन दिया है, जिसमें लिखा है कि सरपंच पति कोई भी कार्य बिना पैसों के लेन देन के नहीं करता। पिछले 4 वर्षों से कोई कार्य नहीं हुआ। कई कर्मचारियों की झूठी शिकायत करके उनको निलंबित करा दिया गया है। 4 वर्षों में 4 सचिव, 4 रोजगार सहायक, 3 उपयंत्रियों की बदली हो चुकी है। सरपंच पति ग्राम पंचायत भवन का सारा सामान घर पर ले गया। कोई भी कार्य ग्राम पंचायत भवन में नहीं किया जाता, कार्य घर पर ही किया जाता है। सरपंच रुक्मणी राय है। पति यशवंत राय के खिलाफ शिकायत आवेदन में धारा 40 के तहत मामला दर्ज करने की बात कही गई है और कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने पर जोर दिया गया है, जिससे गांव का विकास हो सके। रायसेन से ब्रजेश ठाकुर की रिपोर्ट। क्या नाम भैया आपका? सर मेरा नाम जगदीश और मैं सलैया ग्राम का रहने वाला हूँ। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि जो हमारे यहाँ के सरपंच साहब हैं या सचिव साहब हैं, वो मतलब यहाँ पे जो भी मतलब सुविधाओं का लाभ हम लोगों को मिलना चाहिए, उनका हमको ना तो पता चलता है और ना ही कोई सुविधा का लाभ मिल पाया अभी तक। सरपंच कौन है यहाँ? हमारे यहाँ के सरपंच हैं श्रीमती रुक्मणी बाई। निवास कहाँ? जो वो जनकपुर के निवासी हैं। वो महिला आती हैं क्या सरपंच? अभी तक देखा नहीं है सर उनकी, हमने सूरत भी नहीं देखी है कैसे हैं कौन हैं, क्योंकि वो जो हैं जनकपुर में रहते हैं और कभी भाई जैसे हम वहाँ जाते हैं तो हमारा काम ही नहीं हो पाता है, और जो भी काम जैसे अगर हो तो उनके पतिदेव के हाथ में रहता है तो वो सीधे मुँह बात ही नहीं करते हैं किसी से। उनके पतिदेव हैं बबलू राय जी हैं। तो क्या मैं सरपंच के बदले में वही देख रहा कारभार सर? हाँ वही कारभार देख रहे हैं ना, तो वो किसी आदमी सीधे ढंग से बात करते, और जैसे मतलब एक तो वो हमारे गाँव में आए नहीं अभी तक, 5-6 वर्ष की पंचवर्षीय हो गई है, ये 6वीं साल की 7वीं साल चल रही है। मतलब जो भी निर्माण कार्य हैं या कुछ भी, तो उनका हमको पता ही नहीं चल पाता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और हमें मतलब सुविधाओं का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, परेशान हैं हम तो। ग्राम पंचायत पिपरिया करण सिंह के उप सरपंच द्वारा सरपंच पर अनियमितताओं के आरोप लगाए गए और उसकी शिकायत भी की गई, क्या है मामला? ग्राम पंचायत पिपरिया करण सिंह में पिछले 1 साल से गांव में कई लोगों के द्वारा शिकायत की जा रही है। सचिव के द्वारा भी सरपंच का कर रहा है, सरपंच के द्वारा सचिव को कर रहा है, और अभी उप सरपंच के द्वारा भी ये शिकायत की जा रही है कि गांव पंचायत के निर्माण कार्य में अनियमितता हो रही है। तो उसकी जांच जिले में भी लंबित है, जिले की टीम भी बनी हुई है, उसके द्वारा जाँच इसमें की जाएगी। तो इसके बाद जो भी दोषी ऐसा होगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि सरपंच आज तक हमारे गाँव में अभी आया ही नहीं कभी, जब से पंचायत चुनाव हुए। ग्राम पंचायत में तो ग्राम पंचायत सरपंच को जाना होता है और ग्राम सभा की बैठक में भी आयोजित होती है। अब ये पहले ये बात नहीं आई कि ग्राम सभा पंचायत में ये सरपंच उपस्थित नहीं होते हैं, अभी ये बात आ रही है, तो हम इसकी अब जाँच करा के वो चीज़ कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? विपिन में। कहाँ रहते हैं आप? सलैया। क्या है आप यहाँ पे? उप सरपंच। आपने शिकायत की है जनपद में, क्या मामला है पूरा? ये मामला है कि रुक्मणी बाई है वो है सरपंच जी, और बबलू भाई सब कछु करते हैं, वे कुछ नहीं करते। बबलू भाई कौन है? जो उनके घर वाले हैं। घर वाले हैं। क्या क्या आरोप हैं आपके सरपंच के ऊपर? ये है कि यदि मीटिंग है नहीं तो अपने वहाँ पे भी नहीं बुलाया है, कछु कार्य है सान मान होने तो वो भी अपने नहीं करवाया, वे स्वयं ही कर लेते। हाँ स्वयं ही करते। और कोई विशेष समस्या जो आप लोगों को नहीं बताते हैं और कर लेते हो, क्या काम करते हैं? अरे वो तो दुनिया भर के वे करते हैं, मना पाने पता ही नहीं है सर। आपको कुछ भी नहीं बताते और काम करा रहे जी थे।